नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री हरि विष्णु जी, जय गणपति महाराज। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के एक बहुत ही खास वीडियो में। तुला राशि वालों, मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि गणेश जी से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे माता रानी, आप किसी को भी उदास मत रखना, किसी को भी नाराज मत रखना, खासकर उन लोगों को जिन लोगों का पहले और आखिरी उम्मीद केवल आप पर हो। आप सभी का भला करना और सभी को खुशहाल रखना। प्रभु, मेरी आपसे बस इतना ही अनुरोध है। दोस्तों, अब आप लोग हो जाइए तैयार, क्योंकि धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। बता दे कि दो बड़ा शुभ समाचार आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। बस आप मेरे द्वारा बताए गए कुछ विशेष बातों को ध्यान में रख लेना, आप बन जाओगे करोड़ों के मालिक। जी हां, क्योंकि आज आपको बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है। दोस्तों, मुबारक हो पवन पुत्र हनुमान जी, चले आपकी राशि में। अब आप बैठे बैठे राजा बन जाओगी, लेकिन यह दो बड़ी गलती भूल से भी मत करना, नहीं तो जिंदगी भर बैठकर पछताओगे। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि प्रभु पवन पुत्र हनुमान जी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में महाचमत्कार होगा। जी हां, क्योंकि दोस्तों, अब वह आपकी राशि में जाने वाले ही, जी हां, आपकी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, खुशखबरी सुनकर आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। जी हां, और आप मन ही मन भगवान जी से ऊपर वाले ईश्वर जी से गुहार लगाएंगे और मन ही मन कहेंगे कि किस्मत तो हमारी भी अच्छी थी, लेकिन हम सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, सही से कार्य नहीं कर पा रहे थे। जी हां, आपको यह जानकर बहुत ही खुशी होगी कि भगवान पवन पुत्र हनुमान जी चले आपकी राशि में। जी हां, आपकी राशि वालों का भाग्य उदय होना तय हो चुका है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, भगवान ने सभी को हीरा बनाया है, लेकिन चमकता वही है, निखरता वही है जो लोग जितना घिसता है। अगर आप मेहनत करते करते बिखरने गोगी, तब समझ लेना कि समय आ गया है निखरने का। जी हां, उस समय समझ जाना कि जिंदगी आपकी बदलने वाली है। जी हां, याद रखिएगा, जीवन में जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, आपकी भलाई के लिए ही होता है, क्योंकि भगवान कभी नहीं चाहती है कि उनका भक्तों कभी भी दुख तकलीफ में हो, कभी भी परेशानी में हो। भगवान ईश्वर आपको हमेशा बेहतर देने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि भगवान सिर्फ हमें ही यह दुख तकलीफ यह परेशानी दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा फिल्मों में अक्सर कठिन रोल हीरो को ही मिलता है, ठीक उसी प्रकार अगर आपके दिल में समस्या परेशानी दुख तकलीफ आ रही है, तो समझ जाना कि आप हीरो बनने वाले हो। जी हां, बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, गुरुजी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते ही जानते हैं कि पवन पुत्र हनुमान जी चले आपकी राशि में, तो आपकी राशि वालों के जीवन में कौन कौन से परिवर्तन करेंगे, यह सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले यहां पर जितने भी पवन पुत्र हनुमान जी की सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय हो पवन पुत्र हनुमान जी जरूर लिखिए। और हां, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि इसे कहते हैं नसीब। जी हां, काश ऐसी नसीब सबकी होती। प्रभु दोस्तों, अब आपको एहसास होगा कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। जो चाहिए दिल खोलकर मांग लेना, भगवान अब आपकी सुनेंगे भी और आपको जो जो चाहिए वह देंगे। जी हां, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों, अगर आप थंबनेल देखकर वीडियो में आए हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर इस वीडियो को आप अंत तक नहीं देते हैं, वीडियो को मिस करते हैं या थोड़ा सा भी स्किप करते हैं, तो आप आज नहीं बल्कि पूरा जीवन भर पछताओगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपका एक नया जीवन शुरू होने वाला है, आपकी जीवन की एक नई दौर शुरू होने वाली है। जी हां, जो कि दोस्तों बिना मांगे ही अब आपको सब कुछ मिलेगा। जी हां दोस्तों, भगवान की महिमा अपरंपार है। आपके मन में क्या चल रहा है, भगवान
वह सब कुछ जानते हैं। आपने किस चीज के लिए कितना मेहनत की है, किस चीज के लिए आपने कितना सब्र किया है, वह सिर्फ आप और ऊपर वाला भगवान जानता है। किसी को भी कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसको जानना रहता है वह जान जाता है। दोस्तों, याद रखिएगा, जिंदगी के रस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हर पाते, वही लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। इसलिए नकारात्मक भरे लोगों से दूर रहने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, आज की संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, गा कंप्लीट देखिएगा। दोस्तों, बधाई हो, आपकी जिंदगी में वह ऐतिहासिक बदलाव करेगा जो कि आज से पहले नहीं हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन से गरीबी और दुख दर्द का विनाश होगा। जी हाँ दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए तैयार रहना, क्योंकि इतिहास की सबसे बड़ी खुशखबरी आपके घर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि मनुष्य के जीवन में खुशियां आती जाती रहती हैं। कभी उन्हें बड़ी मात्रा में धन दौलत की प्राप्ति होती है, तो कभी उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि आज का यह समय आपके लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों अब आपके ऊपर भगवान बालाजी का विशेष कृपा होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे, और दोस्तों अगर आप उन संकेतों को समय रहते पहचान लेंगे, समय रहते समझ लेंगे, तो दोस्तों आपको अपने जीवन काल में वह सभी सुख प्राप्त होने लगेगा जिसकी आपने कल्पना की थी। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि यह शुभ संकेत भगवान बालाजी आपको देने वाले हैं। जी हाँ, और इतनी बड़ी खुशखबरी, इतनी बड़ी रकम पाकर आप भगवान को भी शुक्रिया अदा करो कि भगवान को भी धन्यवाद करोगी। जी हाँ दोस्तों, मैं पूरी गारंटी के साथ लिख कर देता हूं कि इससे बड़ी खुशखबरी आपको आज तक नहीं मिला होगा। जी हाँ, खुशखबरी बहुत ही बड़ी, बहुत ही भयानक है, जो कि आप मालामाल हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इसे आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इस ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको वह सभी रहस्य बताने वाले हैं जिसे आप अभी तक अनजान हैं, आपको अभी तक उसके बारे में पता नहीं है। यह सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको उस संपूर्ण जानकारियां देंगे जिन्हें जानना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। जी हां, कि आज आपके जीवन में कौन कौन से बदलाव होंगे, कौन कौन से परिवर्तन होंगे, आपके व्यापार व्यवसाय, कैरियर, बिजनेस, लव लाइफ, स्वास्थ्य, आपके पारिवारिक माहौल में, दैनिक दिनचर्या में व आपके अन्य सभी स्तरों में सब कुछ विस्तार से बताएंगे। इसे एकदम अंत तक देखिएगा। धन्य हो प्रभु, आप और आपकी लीला आज तक किसी ने नहीं समझ पाया। प्रभु, आपने बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी सुनकर आपके अंदर फूले नहीं समाएंगे और आप खुशी से नाचने लगोगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में चमत्कार नहीं देखा तो देख लो, इतना बड़ा चमत्कार होगा कि आपका भी होश उड़ाकर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी मजाक समझने की गलती मत करना। अगर यह भविष्यवाणी सच नहीं हुआ तो आज के बाद हम भविष्यवाणी ही करना छोड़ देंगे। जी हाँ, किसी ने भी मेरी भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया तो उन्हें हम मुंह मांगा इनाम देंगे, क्योंकि दोस्तों संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर निर्मित किया गया है, जो कि सटीक है। इसलिए आज की यह वीडियो जो भी भक्त शुरू से लेकर एकदम अंत तक देख लेना और सभी बातों को कान लगाकर ध्यान से सुन लेगा, तो दोस्तों उन्हें भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम आपको आज की इस वीडियो में कुछ अलग बातें बताएंगे, कुछ अलग जानकारी देंगे जो कि सबसे हटकर होगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ आपकी कुंडली में जाने वाले हैं और वह बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी एक ही बात कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं, तो वह कर जो मैं चाहता हूं, फिर देखा होगा, वही जो तू चाहता है। खाने का तात्पर्य है कि सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए और भगवान जैसा कहते हैं वैसा करिए। अगर आप भगवान के कही हुई बातों पर चलेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। जी हाँ, आप अपने जीवन में कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी जोर लगा लो, लेकिन भगवान के बिना कुछ नहीं होगा। जी हाँ, हर एक काम करने से पहले भगवान का नाम लो, काम होने के बाद भगवान का नाम लो। भगवान सभी लोगों को सहारा नहीं देते हैं,
वह उन्हीं लोगों को सहारा देते हैं, उन्हीं लोगों को मदद करती है जो लोग खुद से ज्यादा विश्वास भरोसा भगवान पर करते हैं। याद रखिएगा, भगवान पर भरोसा करोगे तो आपका भरोसा, आपका विश्वास कभी टूटेगा नहीं। और अगर लोगों पर विश्वास करते हैं तो एक न एक दिन उसे भरोसे को लोग तोड़ देगा। बात समझ आई हो तो आज से ही भगवान को अपने जीवन में शामिल कर लो और लोगों पर नहीं, भगवान पर भरोसा करना शुरू कर दो। फिर देखना, आपका सब काम अपने आप ही बनने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, पवन पुत्र हनुमान जी, चले आपकी राशि में तो सबसे पहले आपके करियर में लाभ देखने को मिलेगा और दूसरे नंबर में आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। जी हाँ, जिन जातकों के घर में लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश वाद विवाद बार बार होते रहता था, उन सभी के जीवन में इस तरह की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और फिर से आप सभी के जीवन में खुशियां आने वाली हैं। जी हाँ पवन पुत्र, हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा और संपत्ति संबंधित मामलों में अगर कोई समस्या है तो आप किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं, तभी आपको उसे समस्या का समाधान मिल पाएगा। नौकरी या किसी काम को लेकर परेशान चल रहे हैं तो उन्हें कोई पवन पुत्र हनुमान जी के आशीर्वाद से खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जी हाँ, आज आप दोस्तों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी के आशीर्वाद से आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। जी हाँ, आज आप पूरे दिन का आनंद लेंगे, हर एक पल का मौज उठाएंगे आप, क्योंकि आज पूरा दिन एक के बाद एक खुशखबरी मिलती रहेगी। लेकिन जो लोग अपने घर से दूर रहकर कोई बिजनेस, कोई व्यापार करते हैं, उन्हें आज के दिन सतर्क रहना होगा, क्योंकि लेन देन के मामले में आज आपसे कोई गलत ही हो सकती है जिससे आज आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए समय से पहले ही हम सभी को सचेत कर रहे हैं कि सावधान रहें, सतर्क रहें। देखिए दोस्तों, आज आपको कोई आवश्यक सूचना सुनने को मिल सकता है जिससे आप तुरंत आगे ना बढ़ाएं। जी हाँ, उसे पर अच्छी तरह से सोच विचार कर ले, पूरी फैमिली एक साथ मिलकर उसके बारे में डिस्कशन कर ले, अच्छे से बातचीत कर ले, तभी उसे आगे बढ़े तो यह आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि बिना सोचे समझे अगर आप आगे बढ़ते हैं तो नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, अब आप हो जाइए तैयार, क्योंकि चित्त और पट दोनों आपकी होगी। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के असीम कृपा से, असीम आशीर्वाद से आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर सोने के रथ पर सवार होने वाली है आपकी किस्मत, जिससे कि पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। जी हाँ दोस्तों, चित्त और पट दोनों आपकी होने वाली है, इसलिए आज की इस वीडियो को एकदम ध्यान से पूरा अंत तक देखिएगा। आपकी किस्मत संवर जाएगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि ऐसा बदलाव आज तक आपके जीवन में ना हुआ था और ना कभी होने वाला है। इसलिए आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास वीडियो है, वीडियो को मिस करने की भूल मत करना और ना ही गलती से भी कभी स्किप करना। संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर के चाल पर आधारित है, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर यह खुशखबरी आपको हिलाकर रख देगी। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खुशखबरियां इतनी बड़ी होगी कि खुशी के मरे आपके अंदर फूले नहीं समाएंगे। जी हाँ, और आपके दुश्मन आपकी खुशखबरी को देखकर स्वाहा होंगे, यानी कि एक प्रकार से यूं कहे कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर सोने पर सुहागा होने वाला है, क्योंकि सोने के रथ पर सवार हो चुकी है आपकी किस्मत। इसलिए चित और पट दोनों आपकी होने वाली है। बस ध्यान से इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत बड़ी रहस्य की बात छुपी हुई है जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है। जब ग्रह गोचर में कुछ बड़ा परिवर्तन होता है तभी जाकर जातकों को इतनी बड़ी भयंकर खुशखबरी मिल पाती है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर यह दो बड़े ग्रह आपको मालामाल कर देंगे। जी हाँ, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में यह दो बड़े ग्रह विराजमान होने वाले हैं, जिससे कि आपकी राशि वालों का भाग्य ही चमक जाएगा, आपकी राशि वालों का जीवन ही बदल जाएगा। जी हाँ,
बहुत ही खास और लाभदायक वीडियो में आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं। कोई महामूर्ख ही होगा जो आज की इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेगा। दोस्तों, समझदार इंसानों के लिए इशारा ही काफी होता है, यह बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं और क्या समझाना चाहता हूं ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, इसलिए ज्यादा देर मत करो। जितना देर करोगे उतना आपके लिए नुकसान होगा। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर यह दो बड़े ग्रह आपके साथ बहुत बड़ा खेल खेलने वाले हैं। जी हां, इतनी बड़ी और भयंकर खेल होगी, देखने वालों का भी होश उड़ जाएगा। सब लोग कहेंगे आखिर यह क्या हो रहा है। आने वाले अगले 24 घंटे के असंभव संभव चीज संभव होने वाला है और इसी को कहते हैं परमात्मा का निराला खेल। जी हां दोस्तों, अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। जी हां, बस मेरी आपसे इतना ही अनुरोध है, इस ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है कि माता रानी लक्ष्मी जी के सभी प्यारी भक्ति वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने इन प्यारे हाथों से जय माता दी का नारा लगा दीजिएगा। इससे माता रानी प्रसन्न हो जाएगी और अगले 24 घंटे के अंदर बहुत अच्छी फल प्रदान करेगी। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शिव शंभू। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर देवगुरु बृहस्पति और मंगल ग्रह दोनों आपके ऊपर मेहरबान हो गए हैं। अब आपके ऊपर धन की वर्षा होने वाली है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर एक निराला खेल आपकी जिंदगी में होने जा रही है, जिससे कि अब आपको बहुत सारा धन मिलने वाला है। आपके ऊपर धन दौलत की बरसात होने वाली है। जी हां, देवगुरु बृहस्पति और मंगल ग्रह के असर से यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी सिद्ध होने वाला है। दोस्तों, अब आपकी किस्मत हजार गुना तेज होने वाली है। जी हां, जिससे कि अब आपको अनुभव होगा कि अब हम किसी से काम नहीं है, अब हमारी किस्मत सोने के रथ पर सवार हो चुकी है। और यह सब देखकर सबसे पहले उन लोगों को आपसे जलन होगी। वह लोग आपसे जलने वाले हैं जो लोग कहते थे कि आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, आप गरीब पैदा हुए थे और गरीब भी रह जाओगे। उन लोगों को आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा सदमा लगने वाला है। आपकी तरक्की और कामयाबी को देते जिनकी देवी माता रानी लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की आशीर्वाद से आपके जीवन में बहुत बड़ा भोकाल आने वाला है, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जी हां, तूफान की तरह बड़ी बड़ी खुश, कभी बड़ी बड़ी कामयाबी, बड़ी बड़ी तरक्की मिलने वाली है और आपके मुंह से निकली हर एक इच्छा पूरी होने वाली है। जी हां, और यह सब देखकर आप खुशी से गदगद हो जाओगे, खुशी से आप अपने घर के आंगन में नाचने लगोगे। जी हां दोस्तों, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, ऐसी किस्मत सबकी नहीं होती है। बहुत पूजा पाठ ईश्वर भक्ति करने के बाद ऐसा शुभ अवसर मिलता है। दोस्तों, अब आप हो जाइए तैयार, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी, भगवान शनि देव महाराज जी के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, जिससे कि आपको बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि अब वक्त आ चुका है आपको अपना जीवन बदलने का। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगले इन 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में हड़कंप मचेगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि अगले इन 24 घंटे के अंदर आपकी किस्मत सातवें आसमान में कदम रखने वाला है। जी हां, क्योंकि दोस्तों ग्रहों के राजकुमार भगवान सूर्य देव जी और कर्म फलदाता भगवान शनि देव जी दोनों मिलकर आपकी राशि वालों का भाग्य लिख दिया है। जी हां, और चुपके से लिखा गया है, जो कि दोस्तों किसी को भी पता नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप इस बात का भनक तक किसी को लगने मत दीजिएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अगले इन 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में भगवान सूर्यदेव और कर्म फलदाता भाग्य के देवता भगवान शनिदेव जी ऐसी खुशखबरी आपको देने वाले हैं जो कि आप अगले 7 जन्मों तक याद रखोगे। कोई कितना भी लाख प्रयास कर ले, लेकिन आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर ग्रहों के राजकुमार भगवान सूर्यदेव और कर्म फलदाता भाग्य के देवता भगवान शनिदेव जी का साया और कृपा दृष्टि बढ़ चुका है। दोस्तों, ऐसे छोटे मोटे बदलाव तो हर दिन हर रोज आपके जीवन में होते रहते हैं,
लेकिन इस बार आपके जीवन में वह बदलाव होने वाले ही वह परिवर्तन होने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपको भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा और आप भी कहेंगे कि अब हमारी किस्मत बदल चुकी है और धीरे धीरे अब हमारा जीवन भी बदलेगा। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों अब आपका अच्छा समय आ चुका है और भगवान की तरफ से आपको वह उपहार मिलने वाला है, वह भेंट मिलने वाला है, जो कि दोस्तों आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। जी हां दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना है और सभी बातों को अच्छे से समझना है ताकि कोई भी मौका आपसे मिस ना हो और ना ही आपसे कोई गलती हो। जी हां दोस्तों, इसे अंत तक देखते रहिएगा, लेकिन उससे पहले जो भी सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करने के साथ साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव महाराज, जय शनिदेव महाराज दिखेगा, उन्हें भगवान सूर्यदेव और शनिदेव जी के साथ साथ गुरु जी का भी आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तो आप जरूर लिखिएगा। दोस्तों आपकी किस्मत का नया खेल शुरू हो चुका है, आपका भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बदलेगा। जी हां, और बिना मांगे ही आपको सब कुछ मिलेगा। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अब आपके जीवन में खुशियों की बरसात होने वाली है। जी हां दोस्तों, 101% सटीक भविष्यवाणी होने वाली है, इसे मजाक समझने की गलती ना करें दोस्तों। किस्मत जब साथ देता है, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है और पराए भी अपने हो जाते हैं, और जब हमारा बुरा समय चलता है, हमारी किस्मत खराब होती है, तो हमारे अपने भी पराए हो जाते हैं, वह भी हमें छोड़कर चले जाते हैं। जी यह बात 100% सही है और यह पहले भी सत्य था और आज भी सत्य है दोस्तों। इससे ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको 100% सटीक जानकारी देंगे, क्योंकि दोस्तों भगवान शिव शंकर जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य बदलने जा रहा है। जी हां दोस्तों, किस्मत का नया खेल शुरू होगा, आपको बताएंगे किस तरह से आपका जीवन बदलेगा, इस योग से कौन सी खुशखबरी आपको मिलेगी, किन बातों का आपको विशेष ध्यान में रखना होगा और किस तरह से इस शुभ समय का पूरी आनंद के साथ लाभ उठाना है, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे, सारी बातों को अच्छे से नहीं समझोगे, तब तक आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो लोग अपने जीवन काल से परेशान हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब हम क्या करें, अब हमारा जीवन में क्या होगा, कैसे हमारा जीवन चलेगा, कैसे हम आने वाले समय में तरक्की करेंगे, और भी कई अन्य सवाल जिन लोगों के मन में एनी टाइम घूमते रहता है, उन लोगों के लिए यह वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। जी हां दोस्तों, संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर एवं आपके चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपना थोड़ा सा समय देकर वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आपका भाग्य ही बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 3-3 जगह से भारी धन लाभ होगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि जो आपके नसीब में है वह आपको मिलकर ही रहेगा, दुनिया का कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकता। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आपकी कुंडली में ऐसा ग्रह गोचर बन रहा है जो कि दोस्तों आपको भारी मात्रा में लाभ होगा। जी हां, और यह देखकर आपके सामने दुश्मनों की बोलती बंद हो जाएगी। जी हां दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आप लोगों पर को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे, आपका विश्वास मजबूत रहेगा। यदि आपको काम को लेकर कुछ चुनौतियां आ रही थीं, तो उनका भी आप डटकर सामना करेंगे। आप अपने माता पिता से कुछ जरूरी कामों को लेकर बातचीत कर सकते हैं, जिसमें वह आपकी पूरी मदद करेंगे। पारिवारिक समस्याएं आज दूर होंगी और आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट आने के कारण आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। आप किसी से धन उधार ना लें, आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप अपने कामों से आज लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। कार्यक्षेत्र में लोगों आप पूरा साथ देंगे। आपको अपनी सेहत को लेकर लापरवाही नहीं करनी है। आपने यदि किसी को धन उधार दिया था तो वह भी आपको वापस मिल सकता है। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा।
आपको किसी कानूनी मामले में ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप प्रॉपर्टी को लेकर कोई लोन लेना चाहते थे, वह भी आपका आसानी से मिल जाएगा। आज का दिन आपके लिए कामों पर पूरा ध्यान देने के लिए रहेगा। आपसे कार्य क्षेत्र में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें और कामों को किसी दूसरे के भरोसे न छोड़ें। आपकी संतान आज आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। आपको कोई पुरस्कार मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार में किसी सदस्य को रिटायरमेंट मिल सकता है। आपको किसी नए काम की शुरुआत करना अच्छा रहेगा। आपको अपने जिम्मेदारियां पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी आप उन्हें आसानी से पूरा कर पाएंगे। किसी के बहकावे में आकर आप बड़ा निवेश न करें। आज का दिन आपके लिए धन संबंधित मामलों में ध्यान देने के लिए रहेगा। आपकी कोई डील फाइनल होते होते लटक सकती है। आपको अपने बिजनेस को आगे ले जाने को लेकर कुछ योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। आपकी संतान को कोई नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। आपके पिताजी को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा। आप किसी से धन को लेकर कोई वादा ना करें, नहीं तो उसे पूरा करने में आपको समस्या आएगी। आपको किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको अपने अनुभवों का पूरा लाभ मिलेगा। आप यदि किसी काम को लेकर समझदारी दिखानी होगी, तभी वह आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको सिरदर्द की समस्या हो सकती है। आप अपने घर पूजा पाठ का आयोजन कर सकते हैं। यदि आपको कुछ उलझने चल रही थीं, तो वह भी दूर होंगे। आपका कोई लेन देन से संबंधित मामला आपको परेशान करेगा। आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां को पूरा करने के लिए आपको अपने माता पिता से बातचीत करनी होगी। आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है। आपका कोई विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। आपको किसी नई प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो सकती है। कानूनी मामलों में आपको पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप उसमें डील देंगे तो वह बढ़ सकती है। आपने यदि किसी से धन उधार लिया था तो वह भी आपसे वापस मांग सकते हैं। आपको अपने भाइयों की कोई बात बुरी रख सकती है। जीवन साथी आपके कामों में पूरा साथ देंगे, इसलिए आपको उनका सम्मान करना होगा। आपके मन में कुछ उलझने रहने के कारण आप परेशान रहेंगे। आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। आपको नौकरी को लेकर कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ सकता है। युवा जातक अपने क्रिएटिविटी को दिखाकर कार्य क्षेत्र में अपने बॉस को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आपकी कोई मन की इच्छा पूरी होने से आपके कुछ का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको अपने सहयोगियों से मन की बात को कहने का मौका मिलेगा। आपको कोई पुराना लेन देन सुलझता दिख रहा है। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी। संतान की तरक्की में आ रही बाधाएं दूर होंगी। कोई विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। आज का दिन आपके लिए सेहत के लिए कमजोर रहने वाला है। नौकरी पेशा जातकों को अपने कामों पर पूरा ध्यान देना होगा। आपके कुछ नए विरोधी उत्पन्न हो सकते हैं, जिनके लिए आपको अपनी आंख व कान खुले रखने होंगे। कार्य क्षेत्र में आप किसी अजनबी पर भरोसा न करें। आपको किसी डील को फाइनल करने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी होगी, नहीं तो आपके साथ कोई धोखा होने की संभावना है। आप अपनी संतान से कुछ किसी काम को लेकर बातचीत कर सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। उन्हें कोई स्कॉलरशिप से संबंधित एग्जाम को देने का मौका मिलेगा। आज का दिन आपके लिए सावधान रहने के लिए रहेगा। यदि आप नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपकी परीक्षा पूरी हो सकती है। आपका कोई वाद विवाद सुलझ सकता है। आपको किसी से कोई बात सोच समझकर कहानी होगी। आपको कोई अच्छा मौका हाथ लग सकता है। आपको अपने कामों को लेकर अपने किसी मित्र से मदद देनी पड़ सकती है। यदि आपको कोई शारीरिक समस्या चल रही है, तो उसके लिए आप किसी अच्छा डॉक्टर से परामर्श लेनी होगी, नहीं तो उसके बढ़ाने की संभावना है। आपका प्रमोशन मिलने से होने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। आज का दिन आपके लिए मौज मस्ती से भरा रहने वाला है। आपको वाहन चलाते समय सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आपकी कोई डील लंबे समय लटकी हुई थी, तो वह भी फाइनल हो सकती है। आपको यदि किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही थी, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी।
धार्मिक कार्य में आपका काफी रुझान रहेगा। जो लोग सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्हें अपने कामों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है।